बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और इस वीडियो में जो है मैं आप सभी से बात करने वाला हूं कि IBPS PO की जो है आप सभी को वैकेंसी दिखाई दे रही होगी, अभी रिसेंटली जो है उसकी नोटिस आई है, तो उसमें जो है वो कैसा आप सभी को जो है वो OBC सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा। मीन्स अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो कैसा आपके पास जो है वो OBC सर्टिफिकेट होना चाहिए ताकि आपको जो है वो 27% का रिजर्वेशन मिल पाए। ओके, तो देखिए इसमें जो है वो आप सभी को OBC सर्टिफिकेट बहुत ही मैंडेटरी है। इससे जो है वो आपको 3 ईयर्स का जो है वो एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन भी है और आपका मार्क्स कम मार्क्स पे भी सिलेक्शन हो जाता है और सीट्स भी रहती हैं। ओके, तो चलिए इसके बारे में जो है पूरी डिटेल में मैं बात करूँगा, सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। ओके, लेकिन इससे पहले मैं आप सभी को बता दूँ कि जो जो इस वीडियो में जो है वो मैं क्या क्या बात करूँगा आप सभी से, तो वो मैं आप सभी को बता देता हूँ कि देखिए इंट्रोडक्शन जैसा कि वो अभी हो चुका है, उसके बाद जो है वो कि आप सभी का जो है वो क्रूशियल डेट कब होगा फॉर्म का। ओके, क्रूशियल डेट क्या होता है, जो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग होता है वो। ओके, आपके OBC सर्टिफिकेट की वैलिडिटी कब तक रहती है, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, फॉर्मेट कैसा होता है OBC सर्टिफिकेट का, उसके बाद अगर आपके पास OBC सर्टिफिकेट नहीं है तो आप कैसे बनवा सकते हो, उसके बाद लैंग्वेज भी मैं आप सभी को बता दूंगा कि कौन से लैंग्वेज में होना चाहिए, अगर आपके पास एक वैलिड OBC सर्टिफिकेट नहीं होगा तो क्या होगा, प्रोविजनल और क्लियर का कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है तो उस बारे में भी। ओके, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में भी कुछ इशू होती है तो उसके रिगार्डिंग मैं आप सभी को बताऊंगा और कुछ बोनस टिप्स। ओके, सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड ताकि आपको जो है वो इतनी पूरी सारी जानकारी जो है वो मैं इस वीडियो में दे पाऊँ। ओके, तो यहाँ पर आप जो है जैसे ही जो है वो 10 नंबर पेज पर आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आप सभी को जो है वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं ड्यूरिंग इंटरव्यू। ये जो अभी आपको सर्टिफिकेट है वो अभी रिक्वायर्ड नहीं होगा, ये इंटरव्यू के समय रिक्वायर्ड होता है, तो इस बात को आप पहले से ही जो है वो समझ ले। और जो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग है उस दिन तक आपका सारा सर्टिफिकेट जो है वो हो, कि मीन्स आपको ऐसा इंश्योर करना है कि कंप्लीट रहे तो अच्छा होगा ताकि आपको बाद में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। ओके, एटलीस्ट अगर आपका मार्कशीट ये सभी जो है वो 22/8/2022 तक जो है वो कंप्लीट होना ही चाहिए, वरना आपको बाद में प्रॉब्लम होगी और आप इवन अगर आप अच्छे से क्वालिफाई भी कर जाओगे तब भी आपको जो है वो मीन्स जॉब नहीं मिलेगी। तो अब जो है बात करते हैं कि OBC सर्टिफिकेट के लिए, तो देखिए यहाँ लिखा गया हुआ है कि जो भी कैंडिडेट OBC कैटेगरी में लाई करते हैं लेकिन अगर वो क्रीमी लेयर में हैं तो उन्हें जो है वो जनरल से फॉर्म फिलअप करना है, उन्हें जो है वो OBC NCL का लाभ नहीं मिलेगा। तो पहले क्रीमी लेयर समझ लेते हैं क्या होता है। तो अगर आपकी फैमिली इनकम लेस देन 8 लाख पर एनम है, ओके, लेस देन 8 लाख पर एनम है तभी आपको जो है वो इसका बेनिफिट मिल पाएगा, और अगर आपकी फैमिली की इनकम जो है वो ग्रेटर देन 8 लाख पर एनम है तो फिर आप OBC NCL से फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। ओके, तो ये बात हो गई। अब इसके बाद जो है वो कहाँ से सर्टिफिकेट बनवाना है, कैसा फॉर्मेट होगा, ये तमाम चीज़ें जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप इस अगर आप इसका फॉर्मेट चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप उतना नहीं चाहते हो कि मीन्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप एकदम बहुत समझ आपको लगता है कि कुछ गलत हो सकता है, तो आप जो है वो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है उसके 26 नंबर पेज में आप जाओगे तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगी। ओके, 26 नंबर पेज में आप जाओगे तो ये जो एक पेज का फॉर्मेट है ऐसा ही जो है वो आप सभी को जो फॉर्मेट होता है OBC NCL सर्टिफिकेट का, यहाँ पर आप देख सकते हो फॉर सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाई OBC क्लासेस अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो ऐसा ही एक पेज फॉर्मेट होता है तो आप इसे भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन मैंने आपकी जो है वो आसानी के लिए जो है वो डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे जो है वो मैंने आप सभी से जो है वो 5 पॉइंट्स बात कर दिया है। ओके, यहाँ से यहाँ तक। अब ये सभी पॉइंट्स के भी बारे में बात करते हैं, सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाना है, ओके, और कब तक का वैलिडिटी होती है, तो ये मैं आपको बता दूँ कि देखिए आपका OBC सर्टिफिकेट चूँकि जो है वो इनकम पे बनता है, मीन्स ये इनकम पे बेस्ड होता है, अगर आपकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम है तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा, अगर आपकी फैमिली इनकम 8 लाख से ज़्यादा है तो इसका लाभ मिलेगा। तो इसलिए जो है वो आप सभी का सर्टिफिकेट जो है वो 1 अप्रैल से जो है वो वैलिड होती है, 1 अप्रैल से वैलिड होती है, मीन सपोज 2022 का मैं अगर बात कर रहा हूँ तो 1 अप्रैल से जो है वो 31 मार्च 2023 तक वैलिड होगी। ओके, तो ये बात आप सभी को समझ में आ गई, मीन्स 1 फाइनेंशियल ईयर ही आपकी वैलिडिटी रहती है OBC की। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर कितना भी लेट हो जाए, लेकिन अगर आपका पहले का भी सर्टिफिकेट है तो वो भी चलता है, इसलिए आपको कोई भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए अच्छा होगा कि अगर आप जो है वो लास्ट डेट से पहले जो है वो अपना सर्टिफिकेट बनवा लो तो आपके लिए बेटर ऑप्शन रहे, मीन्स अच्छा रहेगा ताकि आपको बाद में कोई भी इशू नहीं होगी।
और अगर आपके पास बहुत पुराना सर्टिफिकेट है, फॉर सपोज़ मीन्स 3 साल से ज़्यादा पुराना है सर्टिफिकेट, ओके, तो 3 साल से ज़्यादा पुराना सर्टिफिकेट आपके पास, तो आप एक नया सर्टिफिकेट बनवा लें, नहीं तो बाद में आपको जो है वो इशू हो जाएगी। ओके, तो 3 साल से कम आपका पुराना सर्टिफिकेट होना चाहिए, वरना फिर वो आपका जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आपको कोशिश करना है कि आपका रिसेंट का सर्टिफिकेट हो, और अगर आप कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो मैं आपको यही कहूँगा कि आपका सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2022 के बाद का बना होना चाहिए। ओके, उसके बाद जो है बात करते हैं कि आपका सर्टिफिकेट, एक मैं आपको सैंपल दिखा देता हूँ, जैसे ये उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट का बना हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है वो वैलिड मींस जिस दिन ये सर्टिफिकेट इशू हुआ था वहाँ डे उसका डेट है, यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर ये सभी है, और ये उत्तर प्रदेश से चूँकि कैंडिडेट बिलोंग करते हैं तो उनका उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है। ओके, और वहीं नीचे में आप देख सकते हैं कि बेसिक सा नेम डिटेल्स, फादर्स नेम, एड्रेस, ये सभी लिखा हुआ है। यहाँ पे कैंडिडेट का नेम, यहाँ पे जो है वो मींस रिजोल्यूशन नंबर और डेट, ये सभी लिखा गया हुआ है। और देखिए, सर्टिफिकेट दो टाइप की बनती है, एक होती है डिजिटल वाली, ओके, एक होती है डिजिटल वाली, और एक होती है आप सभी की ऑफलाइन, ओके, मैनुअल वाली। तो मैनुअल वाला या डिजिटल वाला दोनों वैलिड है, अगर आपको डिजिटल मिलता है तो वो भी चलेगा, मैनुअल मिलता है तो वो भी चलेगा। ओके, अब इसके बाद जो है वो आप देख सकते हो, जैसे इस सर्टिफिकेट में यहाँ पे QR कोड है, तो QR कोड से क्या होता है कि डिजिटल रहता है तो मींस वेरीफाई करना थोड़ा आसान हो जाता है, और हैंड रिटन, हालांकि यहाँ पे आप जो है वो देखोगे कि यहाँ पे मोहर भी है, तो अगर आपके सर्टिफिकेट में ऐसा है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो मींस मैनुअल भी बना हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर मैं बात कर लेता हूँ कि आपका सर्टिफिकेट कहाँ कहाँ से मीन्स कौन कौन से ऑफिसर से बना होना चाहिए। तो मिनिमम जो है वो CO से बना होना चाहिए, या कुछ स्टेट्स में RO कहते हैं, या कुछ स्टेट्स में जो है वो तहसीलदार कहते हैं। ओके, तो सबसे जो है वो जो कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी होते हैं वो आपका इन्हीं लेवल से बना होना चाहिए, इनके नीचे के लेवल के रैंक के ऑफिसर से अगर आपका सर्टिफिकेट बनेगा तो वो वैलिड नहीं होगा। तो आपको कोशिश करनी है कि आपका सर्टिफिकेट इन्हीं रैंक के ऑफिसर से बना हुआ हो। ओके, और आप जो है वो SDO लेवल से भी बनवा सकते हो, और या फिर DM लेवल से भी बनवा सकते हो, लेकिन मेक श्योर कि आपका जो है वो सर्टिफिकेट नंबर और जो डेट है वो ऑफिस में प्रेजेंट हो, ताकि बाद में कभी भी वेरीफाई किया जाए तो आपका जो है वो कुछ भी फर्जी ना हो। ओके, तो इस चीज़ को आपको जो है वो समझ लेना है, और फॉर्मेट ये है, इसको डाउनलोड करने का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो जो पॉइंट्स मैंने जो है वो बताए थे इसमें, आई होप कि मैंने क्या क्या पॉइंट्स कवर कर लिया, इंट्रोडक्शन, क्रूशियल डेट, वैलिडिटी, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, और फॉर्मेट भी मैंने आपको दिखा दिया है। हाँ, सर्टिफिकेट नहीं है तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, तो उसके लिए जो है वो आप चाहे तो आप इधर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो या फिर आप ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हो। ओके, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो या फिर ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हो, तो ये बात है। अब ऑनलाइन में जो है वो आप CSC सेंटर वालों से भी अप्लाई करवा सकते हो, या फिर साइबर कैफ़े वाले से भी। ओके, और ऑफलाइन की अगर मैं बात करूँ तो आप खुद जो है वो ब्लॉक में, ओके, ब्लॉक या तहसील जो भी आपके इधर नाम हो वहाँ पर आप जाके खुद जो है वो फॉर्म फिलअप कर सकते हो, और नहीं तो आप जो है वो कोई एडवोकेट इन सभी से भी संपर्क कर सकते हो, वो भी आपकी ये चूँकि डॉक्यूमेंटेशन वर्क है तो उसमें आपको वो भी मदद कर पाएंगे। ओके, तो ऐसे जो है वो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं जिनको इस बात की जानकारी नहीं होती है, तो OBC वो फिल तो कर देते हैं लेकिन बाद में वो नहीं दे पाते हैं, इस वजह से उन्हें प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, तो मैंने जो है वो ये प्रोविजनल और क्लियर क्या होता है कि आपका सर्टिफिकेट में अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आपको कुछ समय देते हैं कि फिर से आप जो है वो एक दूसरा सर्टिफिकेट दें, तो वो भी कभी कभार होता है, लेकिन आप वैसी स्थिति ना आने दें। ओके, और स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पे क्यों मेंशन मैंने किया, क्योंकि देखिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की जो है वो मांगी जाती है आपसे। ओके, तो अगर आप स्टेट गवर्नमेंट वाला देंगे तो शायद वो एक्सेप्टेड ना हो, तो इसलिए आपको कोशिश यही करनी है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट वाला जो है वो दे अपना सर्टिफिकेट, ताकि वो एक्सेप्टेड हो जाए। ओके, और कुछ एग्जामिनेशंस के टेस्ट सीरीज के रिलेटेड भी जो है आपको वीडियो के आगे डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप देख लेंगे। तो आई होप कि आपको मैक्सिमम डाउट्स जो कि हो सकती थी मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। और लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश या फिर हिंदी दोनों चलेगा, लेकिन प्रेफरेंस रहेगा इंग्लिश का। ऐसा इसलिए क्योंकि हो सकता है कि मीन्स आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो है वो भेजा जाए तो वहाँ पे लोग आपका रीजनल लैंग्वेज ना समझते हों। ओके, फॉर सपोज़ तमिलनाडु के कोई स्टूडेंट हो और वो अगर उनका मीन्स ये सभी चीज़ तो दिल्ली या फिर उनके हेडक्वार्टर में भी स्टोर रहता ही है सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में, तो वहाँ पे आप अगर वो लोग ना समझते हो तो थोड़ी इशू हो सकती है। इसलिए आपको कोशिश करना है कि इंग्लिश को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, और उसके बाद आप रीजनल लैंग्वेज या फिर हिंदी, इन सभी को भी जो है वो प्राथमिकता दे। सो आई होप कि मैक्सिमम जो भी पॉइंट्स हो सकती है मैंने कवर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई डाउट होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और टेस्ट सीरीज के लिए जो है वो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से भी आप जो है वो टेस्ट सीरीज परचेज करके अपनी प्रिपरेशन
प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आप IBPS PO या फिर IBPS कलर्ड की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप टेस्टबुक ऐप से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। टेस्टबुक ऐप को डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए IBPS PO में अगर मैं जाता हूँ तो आपको जो है वो यहाँ पे इनफ नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज़ देखने को मिल जाएगी। ओके, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है वो बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ देखने को मिलेगी और यहाँ पे आप इनफ नंबर ऑफ जो है वो प्रीवियस ईयर भी आपको देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ से अपनी तैयारी कर सकते हो और टेस्टबुक में जो है वो आप देख पाओगे कि जैसे सब्जेक्ट वाइज भी मिलेगा। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्वांट के लिए आपको जो है वो 59 टोटल टेस्ट सीरीज मिल रही है। ओके, सिमिलरली आप नीचे में जाओगे तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर भी आपको इंश्योरेंस एग्जाम्स ये सभी पेपर का मिलेगा। तो यहाँ पे आप जो है वो देख लो कि SBI एग्ज़ाम्स के भी पेपर मिलेंगे, 37 आपको IBPS RRB एग्ज़ाम के भी मिलेंगे। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्ज़ाम्स की जो है वो अच्छे से आप प्रिपरेशन कर सकते हो टेक्स्टबुक ऐप से। ओके, सो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप जो है वो बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करना चाहते हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप जो है वो टेक्स्टबुक ऐप से अपनी तैयारी टेक्स्टबुक ऐप से आप जो है वो SSC बैंकिंग टीचिंग एग्ज़ाम्स ये सभी तमाम एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन कर सकते हो। तो उसकी भी आप तैयारी इससे कर लेना। ओके, और इसकी जो प्राइसिंग डिटेल्स है तो उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो देखिए इसकी जो प्राइसिंग डिटेल्स है, जैसे कि लाइफ टाइम पास आप सभी को 699 का देखने को मिलेगा और ईयरली पास 499 में और मंथली पास 399 में। तो कूपन कोड मैं आपको दे दूंगा जिसको अप्लाई करने के बाद जो है वो 699 का भी आपको सस्ता पड़ जाएगा और ये 499 का वाला भी आपको ईजी में सस्ते में मिल जाएगा। तो आप कूपन कोड अप्लाई करके जो है वो डिस्काउंट ले पाओगे। टेक्स्ट बुक का डिस्काउंट कूपन कोड है JBYY16 या फिर 66TWX3। इन दोनों में से कोई भी कूपन कोड आप यूज़ कर सकते हो और टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कूपन कोड अप्लाई करने के लिए आपको जो है पास वाले सेक्शन में आना है और अप्लाई कूपन पे टैप करके जो है वो कूपन कोड इंटर कर देना है। कूपन कोड है JBYY16 और जैसे ही मैंने अप्लाई पे टैप किया तो देखिए प्राइसेस जो है घट गई। अभी यहाँ पे आपको प्राइसेस दिखाई दे रही थी मीन्स 699, सो घट के जो है 560 हो गई और यहाँ पे अप्लाई आपको दिखाई दे रही थी 499, सो घट के 400 हो गई। तो ऐसे ही जो है आपको कूपन कोड अप्लाई करने के बाद आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप इससे बहुत सारे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हो। स्टूडेंट्स समझते हैं कि इससे बस आप एक बार पास परचेज करोगे तो एक ही एग्जाम्स की तैयारी होगी, ऐसा नहीं है। जितने भी एग्जाम आपको दिखाई दे रही है, जितने भी आपको एग्जाम्स दिखाई दे रही है जैसे कि SSC की, बैंकिंग की, टीचिंग की, सिविल सर्विसेज, रेलवे, तो वो सभी एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन कर पाओगे। ओके, सो आई होप कि आपको जो है पूरी जानकारी मिल गई होगी एंड आपको टेक्स्टबुक ऐप को डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।